फूल खिला दे शाखों पर, पेड़ों को फल दे मालिक, धरती जितनी प्यासी है उतना तो जल दे मालिक। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। तो ये वीडियो है मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट टू ऑल द फार्मर्स जो अपने खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, और एक अन्न के दाने को खेत से प्लेट तक पहुँचने में कितनी मेहनत लगती है आज आपको ये दिखाएंगे हम इस वीडियो के जरिए। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और इस वीडियो में हमने कोई मेजर खेती इंक्लूड भी नहीं की है। इसमें मैं अपनी दादी के साथ उगाने वाली हूँ धनिया, और उसको आप देखोगे उगाने से लेके उसका पाउडर बनाने तक की प्रोसेस, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आप देखोगे ये सौंफ का थोड़ा सा पार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरी दादी आए हैं धनिया उगाने के लिए। तो हम धनिया के बीज बो रहे हैं, और दादी के गाइडेंस के अंदर मैं भी उनको थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें पानी नहीं डालना दादी? तो फिर कैसे उगे गए? बिना पानी के कैसे उगे गए? ये तो उग जाता है, ये देखिए अभी एक हफ्ते में कैसा उग गए, कितना बीज लगा मैंने, खोद के कौन से खोदना पड़ेगा अभी? One eternity later. अराउंड 1.5 से 2 महीना लग जाता है धनिये के प्लांट में फ्लावरिंग होने में और साबुत धनिये के सीड्स आने में। तो यहाँ पर हम लोग धनिये की खेती कर रहे हैं और अभी इसको सुखाएंगे, और मैंने भी अपना हाथ आजमाया इसको काटने में। ये भी हो गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की है जब से मैं घर पे हूँ। बीट गाय के लिए घास लाना, गाय का गोबर निकालना, गाय से दूध निकालना, और अब दराटी से धनिया काटना। दादी इस एज में भी कितना एफर्टलेसली काट पा रहे हैं। तो अभी हम इसको ले जाके सुखाने के लिए रखने वाले हैं सनलाइट में कुछ दिनों के लिए, जिससे कि धनिये के दाने इजीली अलग हो सके।
तो अभी हम अच्छे से फैला रहे हैं धनिया, जिससे कि सनलाइट इक्वली फॉल हो सब पे और ये अच्छे से सूख सके। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, धनिया के दाने अभी ग्रीन है कलर में, और जब ये सूख जाएंगे तो थोड़े ब्राउनिश हो जाएंगे और थोड़ा इजी हो जाएगा इनको प्लांट से अलग करना। ये फ्रेश धनिया है जो अभी हम खेत से लेके आए हैं। अभी तक हम इसके पत्ते यूज़ कर रहे थे खाने के लिए, और अभी विंटर्स आ रहे हैं तो अभी ये पक चुका है, तो हम इसके थोड़े दिनों सुखाने के लिए रखेंगे और इसके दाने अलग करके फिर उसका हम ड्राई स्पाइस बनाएंगे। सो 5-6 दिन सुखाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। तो अभी दादी धनिया की पिटाई कर रहे हैं दाने अलग करने के लिए। दो मैं ले जाती हूँ। ऐसे सारे दाने झड़ जाते हैं। अभी इसे अलग कैसे करेंगे? जो यहाँ पे भूसे और धनिया के दाने का वे ऑफ सेपरेशन की दादी बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल वे ऑफ सेपरेशन। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली बात करूँ, धनिया के दाने और भूसे का स्पेसिफिक वेट बिल्कुल अलग अलग होगा, इसलिए हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटेशनल वेज ऑफ सेपरेशन, जो कि अभी दादी कर रहे हैं। ये जो इसका क्या करते हैं? इसके कैसे तो नीचे जाना पड़ता है गाय के लिए, इसके क्या करना, ये तो गाय के लिए होता है, ये तो भूस होता है इसका, ये तो भूस है बेटा, अच्छा गया। और जब दाने सेपरेट हो जाएं, फिर कुछ दिन और इनको सुखाने के लिए रखते हैं। कितने टाइम सुखाते हैं अपना? कितने टाइम सुखाते हैं इसको? इसको 3-4 दिन बाद काट के फिर 6-5 दिन सुखाने के लिए रखते हैं।
तब खाने के लिए कर लेते। पांच से सात दिन सुखाने के बाद धनिया के दानों को हम साबुत भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं 5 से 7 मिनट, जब तक कि उससे खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद हम उसको ग्राइंडर में पीस के धनिया पाउडर बना सकते हैं, जिसको दाल सब्जी में यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्रेश घर का धनिया पाउडर बनके तैयार है। सिंस दिस वीडियो इज अबाउट धनिया, तो मुझे एक ऐसी डिश बनानी थी जिसमें कि हमारा हीरो इंग्रेडिएंट धनिया हो। तो यहाँ पे मैं और बुआ आए हैं धनिया के पत्ते ले जाने के लिए, जिससे कि हम गलगल की चटनी या गलगल का खट्टा बनाने वाले हैं। और ये है गलगल, इसको हिल लेमन भी बोलते हैं। आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये खाने में बहुत ही खट्टा होता है, इसका अचार भी पड़ता है और इसको एज अ चटनी बना के या खट्टा बना के भी खा सकते हैं। इसको बनाने में मेन फ्लेवर धनिया का ही रहता है। ये खाने में थोड़ा खट्टा होता है पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जिसमें बुआ भी पीस रहे हैं ये पत्थर का बना है, तो हम मोस्टली मसाला इसी में ही पीसते हैं एंड वी अवॉइड ग्राइंडर्स एंड मिक्सर्स। अभी मैं आपको सेकंड हर्ब के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि है फेनल लीव्स या सौंफ की लीव्स। तो अभी मैं सौंफ ले जाके उसको ड्राई करूंगी और फिर उसकी हम फेनल लेमन टी बनाएंगे, जो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। यह है फेनल, जिसको 3-4 दिन ड्राई किया है इसका फ्लेवर इनहेंस करने के लिए। और यह फ्रेश लेमन जो अभी अभी तोड़ के लाई हूँ, तो इसके अभी हम टी बनाने वाले हैं। फेनल लेमन टी बनाना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको पानी गर्म करना है, उसमें नींबू का रस डालना है, ड्राइड फेनल लीव्स और अगर आपके पास सौंफ के दाने हैं वो डाल दीजिए। उसको बॉयल होने दीजिए। उसके बाद अगर आपको चीनी डालनी है आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, नॉर्मल शुगर डाल सकते हैं या शुगर फ्री भी बना सकते हैं। और गर्मा गर्म फेनल लेमन टी बन के तैयार है। इस वीडियो में हमने देखा कि इवन धनिया की खेती करने में भी कितनी मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत है। और अगर हम कमर्शियल स्केल पे कोई खेती करते हैं, बीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गेहूं, राइस, किसी की भी खेती करते हैं, तो उसमें कितनी मेहनत की ज़रूरत पड़ती होगी। बिग सैल्यूट टू ऑल द फार्मर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।